11 नवंबर 1954, एक शख्स बुरका पहनकर रक्षे में सवार होता है और सिंध चीफ कोर्ट में दाखिल हो जाता है, जो कि उस वक्त सिंध चीफ कोर्ट कहलाती थी। दस्तूर साज असेंबली के स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन किस तरह सिंध चीफ कोर्ट पहुंचे और किस तरह गवर्नर जनरल ने असेंबली तहलील की और किस तरह सिंध चीफ कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया, मगर फेडरल कोर्ट ने किस तरह इस फैसले को कलअदम करार देकर तारीख बदल दी। उस वक्त गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे। को जब पता चला कि असेंबली मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रही है, तो उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप असेंबली तहलील कर दें, यानी आप असेंबली तोड़ दें। तो उन्होंने असेंबली तोड़ दी कि ना असेंबली रहेगी और ना वोट होगा। तब भी वही कानून था जो अब है, वो ये कि जब भी असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो असेंबली नहीं टूटती। 11 नवंबर को बुरका पहने जो शख्स सिंध हाई कोर्ट में दाखिल हुआ था वो मौलवी तमीजुद्दीन, उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली था। उनको ये यकीन था कि वो सिंध चीफ कोर्ट नहीं पहुंच सकेंगे या उनको नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उन्होंने सिंध चीफ कोर्ट, जो कि अब सिंध हाई कोर्ट है, में पटिशन दायर की और वो लग गई। चीफ कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन की पटिशन पर समाअत की और फिर गवर्नर जनरल के हुक्म को न सिर्फ कलअदम करार दिया बल्कि आइन साज असम्बली दोबारा बहाल कर दी। गवर्नर जनरल फैसले के खिलाफ फेडरल कोर्ट चले गए, फेडरल कोर्ट जिसे अब हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। आप हैरान होंगे कि जो फीस गवर्नर जनरल ने अपने वकील को दी वो उस वक्त के चीफ जस्टिस की तनख्वाह से भी 7 गुना ज्यादा थी। दूसरी तरफ मौलवी तमीजुद्दीन के पास वकील को देने के लिए बड़ी रकम नहीं थी। उस वक्त जस्टिस ASM इकराम मोस्ट सीनियर जज थे, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त के मोस्ट सीनियर जज जस्टिस ASM इकराम को चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि वो जस्टिस मुनीर को चीफ जस्टिस बनाने का फैसला कर चुकी थी। सीनियर कानूनदान हामिद मीर अपनी किताब में लिखते हैं कि वजारत कानून ने एक समरी तैयार की जिसमें गवर्नर जनरल को ये तजवीज़ दी गई कि वो मुल्क बरतानिया से रजू करके इनसे दरख्वास्त करें कि किसी बरतानवी जज को चीफ जस्टिस नामजद करें। जब जस्टिस ASM इकराम को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हक से दस्तबरदार होता हूँ, आप जिसको मर्जी चीफ जस्टिस बना दें मगर बरतानिया से जज इंपोर्ट ना करें। इस तरह जस्टिस मुनीर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया और उसी चीफ जस्टिस जस्टिस मुनीर ने उस फैसले की समाअत की, यानी मौलवी तमीजुद्दीन के फैसले की समाअत की। उन्होंने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला गवर्नर जनरल के हक में दिया और असेंबली टूट गई। फिर हालात ख़राब होना शुरू हो गए और वहीं से पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मंजरनामा तय पाया और मुल्क के वसीतर मुफाद में नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद रखी गई।